भी है, क्लियर दिख रहा है हमें भी यहाँ पे, है ना, हाथ से नहीं फटा है वो। वो बाकी अगर उसने उससे ज्यादा फड़ा होगा तो बच्ची ने मुझे 15 दिन पहले बताया कि उनका बेटा नेहरू स्टेडियम में मेरी बच्ची को बैडमिंटन का असिस्टेंट कोच था, तो उसकी ट्रेनिंग की देखरेख में होती थी, तो वहाँ उसके साथ गलत हरकत करता था वो, और मेरी बच्ची को धमकाता था कि अगर मम्मी पापा को बताया तो मैं तुम्हारा ग्वालियर में एडमिशन नहीं होने दूंगा। जो ग्वालियर का एडमिशन कैंसिल हो गया, तो एक दिन डरते डरते मेरी बेटी ने मुझे बताया कि किशन भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा करते थे। तो भी हमने उनसे बात की, उनसे बात करना बंद कर दिया, उनसे अपने तरीके से दूसरे तरीके से निपटे। हमें बस ये डर लगा कि हमारी बच्ची का नाम, बच्ची की इज्जत खराब नहीं हो, उसका करियर खराब नहीं हो, ये सोच के हम डरे रहे। तो उन्होंने हमारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के, और उन्होंने मेरे साथ इतनी अभद्रता की जो सारी मर्यादा की सीमाएं लांघ दी। एक बैडमिंटन प्लेयर है, बेसिकली वो नाबालिग बालिका है जो बैडमिंटन को सीखती है, और उसके जो कोच हैं वो उसको सिखाते हैं। अभी उसने प्रारंभिक रूप से शिकायत की है कि जो उसको सिखाने वाले कोच हैं उनके द्वारा उसके साथ कुछ छिड़खानी की गई है। इस सूचना पर, इस शिकायत पर थाना खोड़ेल में एक अपराध पंजीबद्ध किया है। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात जो स्थान है जहाँ पर ये कोचिंग होती थी, उस जगह की CCTV फुटेज और जो अन्य साथी हैं और जो वहाँ पर लोग प्रेजेंट रहते हैं, उन सबके स्टेटमेंट कथन किए जा रहे हैं। बाकी जो अन्य एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, इसके बाद उसमें कार्रवाई की।